सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हर हफ्ते की तरह आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं संडे स्पेशल, जिसके अंदर हम पूरे वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। देखो, मैंने आपको हर बार यही बात रिपीट करती हूँ कि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट कैन मेक और ब्रेक योर प्रिपरेशन। अगर आपके करंट अफेयर्स स्ट्रांग है तो आपको हमेशा एक एज मिलेगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक टाइम स्पेसिफाई करें जहां पे आप अपने करंट अफेयर्स के लिए जो है प्रिपेयर करें। तो वीकली इज अ गुड टाइम। आप वीकली अगर टाइम निकाल पा रहे हैं, कुछ टाइम निकाल पा रहे हैं, आधा घंटा एक घंटा, तो आपके ऊपर वो पाइल अप नहीं होगा, क्योंकि जब पाइल अप हो जाता है तो स्ट्रेस होता है। दैट इज वाई लोगों को करंट अफेयर सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, जबकि सबसे ईजी है ये, है ना। तो इसीलिए मैं आपको यही बार बार हर बार रिपीट करती हूँ कि वीकली अपने लिए टाइम निकालो, हर वीक अपने लिए कुछ टाइम निकालो और करंट अफेयर्स को वहीं साथ के साथ प्रिपेयर करो। आजकल इतना ज़्यादा मतलब होता ही नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि मतलब बहुत बर्डन हो गया है या कुछ है। अगर आप वीकली टाइम निकाल रहे हो तो देखो, ये बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, इसमें आपका बस इसके बाद आपका काम क्या है, इसे रिवाइज कर लो, ठीक है। आपको कोई चीज़ इसके साथ ऐसे लगती है मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ तो वो ऐड ऑन कीजिए। तो ऐसे ही अपनी जो तैयारी है उसे सप्लीमेंट करते रहिए। तो चलो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला होम ग्रोन कार टी सेल जीन थेरेपी फॉर कैंसर पेशेंट्स। तो ये क्या है, द नेक्स्ट कार 19 जो कार टी थेरेपी है, जिसे शिमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी बोला जाता है, ये डेवलप की है प्रोफेसर राहुल पुरवार ने अलॉन्ग विद द टीम एट IIT बॉम्बे एट द स्टार्टअप इम्यूनो एक्ट विच ही को फाउंडेड विद हिज स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स के साथ मिलके, स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के साथ मिलके मुंबई में इन्होंने ये जो है फाइंड किया है। तो ये डिजाइन किया गया है टारगेट करने के लिए कैंसर सेल्स को, जो कि CD19 प्रोटीन कैरी करता है। ये जो प्रोसेस है ये कमेंस करता है कि पेशेंट जो है डोनेट करेंगे ब्लड एट अ ट्रांसफ्यूशन सेंटर, देन जो टी सेल्स है उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाएगा और फिर उसे री इन्फ्यूज कर दिया जाएगा पेशेंट के अंदर 7 to 10 days के पीरियड के बीच बीच में, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे पहला जो फर्स्ट पेशेंट है उसे क्योर करा गया है विद इंडिजिनस कार टी सेल ट्रीटमेंट इंडिया के अंदर। जो कॉस्ट थी पेशेंट थेरेपी की इन इंडिया वो 42 lakh थी, जो कि अब्रॉड के अंदर आप जाएंगे तो 4 crore तक जो है जाती है। तो ये एक बहुत ही चीपर सोल्यूशन होगा, बट देखो इफेक्टिव भी है बहुत ज्यादा। तो देखो, बोला जा रहा है कि अगर ये चीज अच्छे से इम्प्लीमेंट की जाती है तो कैंसर की वजह से जो डेथ रेट है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो कैंसर एक वही एक बहुत ज्यादा फेटल जो माना जाता है, तो वो चीज जो है उसकी खत्म हो सकती है, कम हो सकती है। नेक्स्ट इज पैरादीप पोर्ट बिकम्स हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो पैरादीप पोर्ट है, सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है कि ओडिशा के अंदर है ये, वन ऑफ द 12 मेजर सी पोर्ट्स है इंडिया के अंदर। तो देखो, 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो है इन्हें ऑपरेट किया जाता है। यहाँ से ही हमारा जो भी कार्गो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, जो भी वाटर के लिए, तो वो यहाँ से ही जो मेजरली है चलता है। तो इसीलिए इन्हें मेजर सी पोर्ट्स बोला जाता है। माइनर पोर्ट्स भी हैं बट ये मेजर सी पोर्ट्स हैं, और उनमें से एक है पैरादीप जो कि ओडिशा का पोर्ट है, और इसे अब हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट इंडिया का जो है ये बन गया है, ठीक है। ये एक नेचुरल हार्बर है और इसे जो है यहां से आयरन और एल्यूमिनियम जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बाकी के मेजर पोर्ट्स के लिए है कि लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट हमारा मुंबई है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट GNPT है, उसके बाद फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट जो है वो एनोर कमाराजर है, उसके बाद हमारा आ गया डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम, एंड ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट जो है वो हल्दिया कोलकाता है। तो ये कुछ जैसे GK के अंदर आपसे पूछ लिए जाते हैं स्टेट एग्जाम्स के अंदर, तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। उसके अलावा ये पिक्चर है पोर्ट्स को, आप विजुअलाइज कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ से यही असाइनमेंट है कि आप सारे पोर्ट जो 12 पोर्ट है, देखो 12 पोर्ट है, उनकी लोकेशन क्या जो है वहां से सबसे ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये नोट डाउन कर लो, यहाँ से ये चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी और यहीं से GK का भी एक जो छोटा सा जो है पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, रोमानिया एंड बल्गेरिया पार्शली ज्वाइन यूरोप शेंगन ट्रेवल जोन। तो ये जो शेंगन अग्रीमेंट है ये एक ट्रीटी है 1985 में से साइन किया गया था। तो यहाँ से क्या है कि वो बॉर्डर फ्री एरिया इन यूरोप क्रिएट करना चाहते थे, जिससे क्या है कि लोग फ्रीली मूव कर पाएंगे, गुड्स सर्विसेज कैपिटल ये सब फ्रीली मूव कर पाएगा शेंगन एरिया के अंदर। तो 27 EU मतलब यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं 23 पार्टिसिपेट करते हैं, आउट ऑफ 27 में से 23 जो है पार्टिसिपेट करते हैं इस एरिया के अंदर। नाउ टू मोर
यूरोपियन स्टेट्स जैसे रोमानिया और बल्गेरिया जो है उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, और अब सिर्फ दो ऐसी स्टेट्स रह गई हैं जिसका मेंबर नहीं है, सिप्रस और आयरलैंड। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी नॉन ईयू स्टेट्स जो इसका पार्ट है उसमें आइसलैंड, लिथ्सटन, स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे। तो यहाँ पे देखो वीज़ा फ्री ट्रेवल होता है, फ्री मूवमेंट है गुड्स की, लोगों की, सर्विसेज की। तो जिनका भी ये वीज़ा एक बार लग जाता है तो वो फ्रीली इन कंट्रीज में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई अब इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, सिर्फ दो ईयू मेंबर स्टेट्स हैं जो नहीं है पार्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आरबीआई सेलिब्रेट्स इट्स 90 ईयर्स ऑफ सर्विस ऑन फाउंडेशन डे 2024। तो आरबीआई जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो रेगुलेटरी बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। देखो हिल्टन यंग कमीशन बनी थी 1926 के अंदर, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि आरबीआई इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आया था, जिससे सर ऑस्बोर्न स्मिथ जो है उन्होंने इसके इनॉग्रल गवर्नर की तरह जो है सर्व किया था। 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था, और हेडक्वार्टर्स अगर आप देखो तो कलकत्ता से मुंबई में शिफ्ट किए गए थे 1937 के अंदर। करंट गवर्नर जो है वो है शक्तिकांता दास, आपको पता है ये सारी चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आरबीआई देखो 90 ईयर्स ऑफ सर्विसेज होने वाली है, फाउंडेशन डे को हो जाएंगे इसके, तो ये इसीलिए ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आपको ये जो है अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है इंडिया टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इन पदूर बाय 2029-30। तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या है, एसपीआर है क्या, ये स्टॉक पाइल्स हैं क्रूड ऑयल के। देखो इंडिया में क्रूड ऑयल के स्टॉक पाइल्स रिजर्व्स हमें मिलते हैं, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इंडिया के अंदर ये क्या है, इंश्योर करते हैं कि स्टेबल सप्लाई रहे क्रूड ऑयल की, इवन जब जियो पोलिटिकल अनसर्टनिटी हो या फिर वर्ल्ड लेवल पे सप्लाई डिसरप्शन हो। जैसे कोविड के टाइम में आपको पता है बहुत ज्यादा सप्लाई डिसरप्शन हो गई थी, तो जो इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है ISPRL, वो क्रिएट करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एज अ स्पेशल पर्पज SPV, स्पेशल पर्पज व्हीकल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन 2024। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया की जो एग्जिस्टिंग अंडरग्राउंड SPR फैसिलिटीज है वो, उनकी जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो 5.33 मिलियन मेट्रिक टन है क्रूड ऑयल अक्रॉस 3 लोकेशन। नाउ अब फेज 2 इंप्लीमेंट होगा इंडिया के अंदर, जिससे ये जो स्टोरेज है वो 2.5 MMT पदूर के अंदर इंक्रीज, मतलब इससे कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कहाँ पे, पदूर में, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। तो ये देखो यहाँ पे विशाखापट्टनम और मैंगलोर के अंदर है, अब पदूर के अंदर बन जाएगा, अब पदूर के अंदर यहाँ बन जाएगा। उसके बाद देखो ये आगे जाके इसको हमने चांदीखोले के अंदर भी जो है इसे इम्प्लीमेंट करना है, तो धीरे धीरे इसके एक्सटेंड जो है किया जाएगा। तो अभी ये ऐसे मूव कर रहा है, अभी के लिए पदूर आपके लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो विशाखापट्टनम मैंगलोर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र सिक्योर्स मेन एंड वुमेन्स टाइटल एट द 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप। तो देखो 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप हुई है 2023-24 की, ये जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे ऑर्गेनाइज किया था मार्च 28 से लेके April 1 तक। टोटल 37 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, 8 ग्रुप्स में इनको जो है डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे मेन एंड वुमेन दोनों कैटेगरी थी। चैंपियनशिप जो है वॉज हेल्ड एट दिल्लीज करनाल सिंह स्टेडियम एंड इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। जो मेन्स फाइनल है वहां पे महाराष्ट्र जीती है, ठीक है, एंड वुमेन्स फाइनल में भी जो है महाराष्ट्र जीती है। ये मेन्स फाइनल वर्सेस इंडियन रेलवेज में हुआ था, और वुमेन फाइनल जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्सेस हुआ था। तो यहाँ से जो महाराष्ट्र है वो यहाँ पे जीत के आई है, दोनों मेन एंड वुमेन टाइटल उन्होंने जीते हैं, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एक बार इसे भी ध्यान में रखे आप। नेक्स्ट हम पॉइंटर्स देख लेते हैं फटाफट से। इंडियन नेवी जो है उन्होंने सेटअप किया है, सेट टू पार्टिसिपेट विद मोजाम्बिक एंड तंजानिया एट ट्रायल एट 2024 मैरिटाइम एक्सरसाइज, जिसे IMT ट्रायल एट 2024 जो है बोला जाएगा। तो मोजाम्बिक और तंजानिया यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट संजय नायर जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे एसोशैम, जो कि जो है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आपको पता है स्टेट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट इज जर्मनी बिकम्स द लार्जेस्ट यूरोपियन यूनियन नेशन टू लीगलाइज रिक्रिएशनल कैनबिस यूज, ठीक है। तो इन्होंने जो है कैनबिस का यूज, जो भांग का यूज है, रिक्रिएशनल पर्पज के लिए इसे लीगलाइज कर दिया है। ये लार्जेस्ट यूरोपियन यूनियन नेशन है जर्मनी, जिसने इसे लीगलाइज किया है। नेक्स्ट फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट 2024, जो बर्नार्ड आर्नोल्ड हैं वो रिटेन कर रहे हैं टाइटल एज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन विथ $233 billion फॉर्च्यून, ठीक है। तो जो फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट है 2024 की, उसमें बर्नार्ड आर्नोल्ड जो है वो
अभी भी उनके पास ही रिटेन हुआ है टाइटल एज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के पीडीएफ पीपीटी के लिए और वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट के लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। साथ ही हम वहां पे रेगुलर टेस्ट वगैरह सब अपलोड करते रहते हैं। हमारी मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट वीडियो भी आती है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।